सबसे पहले अपने मंडल का नाम बताओ मेरे को। क्या है नाम? और वो हिसाब से हम लोग ने ये मूर्ति सुब्रमण्यम स्वामी अपना अयप्पा का दूसरा रूप है ये। वेलकम बैक टू माई चैनल वॉन्डरिंग रोजो। आज है 10 सितंबर और मेरा डे 4th है मुंबई गणपति दर्शन का। तो अभी मैं हूँ भाईकला में। मैं अभी पहले दो गणपति मंडल विजिट करूँगा और वहाँ से ना मैं जाने वाला हूँ कामठीपुरा, और वहाँ पर आपको बहुत सारे गणपति के दर्शन करने मिलेंगे। तो आप लोग है ना ये वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जो सबसे पहला मंडल मैं विजिट करने वाला हूँ ना वो है मध्य भाईकला राजा। तुम लोग सबसे पहले अपने मंडल का नाम बताओ मेरे को। मध्य भाईकला राजा। क्या है नाम? मध्य भाईकला राजा। और ये मूर्ति कितने फुट का है? 30 फुट का है। सही है। और सब लोग जोर से बोलेंगे गणपति बप्पा। सो अभी जो मंडल में विजिट करने वाला हूँ ना वो है भाईकला फर्स्ट क्रॉस लेन। मैं आगे जाके आपको मूर्ति के दर्शन कराता हूँ। अभी मैं हूँ कामठीपुरा 15वीं गली में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 गली है और हर एक गली में एक गणपति बप्पा का स्थापना किया गया है। तो मैं आपको ये पूरा जो गणपति दर्शन है ये कराऊंगा। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो ना, तो अगर आप लोग सेंट्रल साइड से आ रहे हो ना तो भाईकला आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा, और अगर आप लोग वेस्टर्न से आ रहे हो ना तो मुंबई सेंट्रल आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। और स्टेशन से यहाँ ना आपको 15 मिनट लगेगा बाय वॉकिंग, आप चाहे तो कैब भी कर सकते हो। सो जो पहला मंडल मैं विजिट कर रहा हूँ ना वो है कामठीपुरा 15वीं गली। मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ ना वो है कामठीपुरा 14th लेन। आगे जाके मैं आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। तो अभी मैं हूँ कामठीपुरा 13वीं गली में और वहां जाके मैं आपको गणपति बापा के दर्शन कराता हूँ।
सो 13वीं गली में एक और मूर्ति है, 13 कामटीपुरा बोरी चौक। सो 13वीं गली में ना दो गणपति बप्पा स्थापना हुआ है और अभी मैं हूँ 12वीं गली में, मैं 12वीं गली का आपको गणपति बप्पा के दर्शन कराता हूँ। कामटीपुरा 11वीं गली के मैं आपको दर्शन कराता हूँ अभी। कामटीपुरा 10वीं गली कामटीपुराचा गणदक्ष। तो अभी मैं 10वीं गली में गया था, वहाँ पर दो मंडल है, दोनों ऑपोजिट साइड है, तो पहले आप दोनों मंडल वो विजिट कर देना, उसके बाद 9वीं गली जाना। कामटीपुरा 9वीं गली मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ वो है कामटीपुरा मार्केट का राजा, आगे जाके मैं आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। कामटीपुरा 8वीं गली। तो अभी जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ ना वो है कामटीपुरा 8वीं गली में बापा बफारनी। कामटीपुरा बप्पा बफारनी 38 फीट हाइट, ये बार का ना मुंबई का आप बोल सकते हो वन ऑफ द टॉलेस्ट गणपति स्टैचू। कामटीपुरा चा महाराजा, आगे मैं आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। ये दोनों ने ना मेरे को सारे जो भी मंडल है ना एक एक करके लाइन वाइज बताया, इन लोग के वजह से पूरा मैं कामटीपुरा अच्छे से घूम गया। तुम लोग का नाम बताओ भाई। कार्तिक। कार्तिक मेरा।
दोनों का नाम कार्तिक है, हम लोग भाई है, दोस्त है, दोनों का नाम कार्तिक है लेकिन पक्का। सो अभी जो नेक्स्ट मंडल हम लोग विजिट करने वाले हैं वो है कामटीपुरा सातवीं गली, तो मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। साइकिल पे पापा विराजमान है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। सो अभी मैं हूँ कामाटीपुरा सातवीं गली में और हमारे साथ है अरविंद जी, जिन्होंने ये मूर्ति का, जो आप कह सकते हो मूर्तिकार है, और जो पूरा डेकोरेशन उन्होंने किया है, राइट? यस। आप एक बार आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम अरविंद चिंता किंदी है और ये आपका 75th ईयर है, राइट? 75 ईयर्स है, अमृत महोत्सव। और हमेशा से आप लोग ही, मतलब जो मूर्ति है वो आप लोग ही बनाते हो? नहीं, मूर्ति हम ऑर्डर दे के देते हैं, और ये साल 75 ईयर्स हो गए, वो हिसाब से हम लोग ने ये मूर्ति सुब्रमण्यम स्वामी, ओके, अपना अयप्पा का दूसरा रूप है ये, वो हिसाब से हमने ये ट्रेडिशनल साउथ इंडियन का डेकोरेशन पूरा ये सेटअप किया हुआ है। जो मंदिर है वो भी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वाला, साउथ इंडियन का है, पूरा साउथ इंडियन का, पूरा ट्रेडिशनल वो हिसाब से किया हुआ है। मतलब ये एकदम यूनिक, एकदम नया देखने को मिला, ऐसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है बस। हम लोगों ने अभी इससे पहले 50 ईयर्स का भी किया हुआ, वो तिरुपति बालाजी का किया हुआ, सेकेंड 65 ईयर्स का अयप्पा का करके, थर्ड हम लोग ये है कि साउथ इंडियन का ये सुब्रमण्यम स्वामी का हम लोगों ने ये टेम्पल ये किया हुआ है। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। तो आप देख सकते हो ये मूर्ति जो है, जो इनका 75th ईयर है ना, तो इन्होंने खुद ने बनाया, और पूरा मंदिर देख सकते हो आप, पूरा डेकोरेशन इन्होंने खुद ने किया है। तो अगर आप लोग कामाटीपुरा आ रहे हो सातवीं गली विजिट करना, और ये जो मंडल है यहाँ पर भी विजिट करना आप लोग, श्री राम मित्र मंडल, ओके, सातवीं गली, ओके, थैंक यू। कामाटीपुरा 6th क्रॉस लेन, मैं आगे जाके आपको बप्पा की मूर्ति दिखाता हूँ। फुल गोल्डन मूर्ति है, मैंने पहले ऐसा देखा नहीं है, मैं आगे जाके आपको पूरा मूर्ति का दर्शन कराता हूँ। सो जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ ना, वो है पंचशीलचा राजा, ऐसे चौल के अंदर देख सकते हो आप, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, मैं आपको पापा के आगे जाके दर्शन कराता हूँ। Thank you.
सो अभी मैं हूँ कामाटीपुरा चौथी गली में और जो नेक्स्ट मंडल हम लोग विजिट करने वाले हैं वो है कामाटीपुरा चा गौजमुखा। अभी जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ वो है मुंबई चा लाड़का शुभमकर। मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। सो अभी मैं हूँ कामाटीपुरा तीसरी गली में और जो नेक्स्ट मंडल मैं विजिट करने वाला हूँ वो है अमर शक्ति क्रीड़ा मंडल। मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट मंडल हम लोग विजिट करने वाले हैं वो है मुंबई चा मोरिया। तो मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ वो है कामाटीपुरा चा राजा। मैं आगे आके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट मंडल में विजिट करने वाला हूँ वो है फर्स्ट कामाटीपुरा लेन पीपी मार्ग चा राजा। तो मैं आगे जाके आपको बापा के दर्शन कराता हूँ। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मैंने 15th लेन कामाटीपुरा से स्टार्ट किया था और पहली गली तक आया, बहुत सारे गणपति बप्पा के दर्शन करे और अभी ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और गणपति बप्पा।